वाह बच्चों, कल की डेट में हम चर्चा कर रहे थे वर्ण विक्षेपण क्या है। आप सभी बच्चों ने देखा कि वर्ण विक्षेपण या नया नाम जो परिक्षेपण है, इसका केवल मतलब है सुषमिता जी कि श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरे और अवयवी रंग की किरणों में विभक्त हो जाए, यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। श्वेत प्रकाश की किरणों का प्रिज्म से होकर गुजरना और अवयवी रंग की किरणों में बट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। हमने साफ साफ चिल्ला के समझाया था कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के किरणों की वायु या निर्वात में चाल समान होती है, तो इसलिए वायु या निर्वात में जब प्रकाश चलता है तो सभी किरणें एक साथ चलती हैं और मिक्स कलर श्वेत दिखता है, लेकिन माध्यम बदलने पर भिन्न भिन्न माध्यमों में समस्त प्रकाश के किरणों की चाल बदल जाती है और इस वजह से जब जो है श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरा तो प्रिज्म यानी कांच माध्यम में सभी रंग के प्रकाश के किरणों की चाल अलग होने से जिस रंग के प्रकाश की चाल सर्वाधिक थी वो पहले आई, बाकी सब उससे बाद में आई, माने श्वेत प्रकाश अवयवी प्रकाश में विभक्त हुआ। तो वर्ण विक्षेपण की घटना का एकमात्र कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न प्रकाश के रंग की किरणों का चाल का भिन्न भिन्न होना होता है। और बच्चों आपको बताए थे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो सात रंगों की किरण पट्टी मिलती है उसे वर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं, और वर्ण स्पेक्ट्रम में सातों रंगों का जो क्रम होता है वह वर्ण क्रम विभ्योर होता है। वी से लेकर आर तक समस्त प्रकाश की रंग जो है किरणें मिलती है। वी आई बी जी वाई ओ आर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। और हमने आपको कल दो तीन लंत्रारी बताया था कि जब वी से आर की ओर बढ़ो माने नीचे से ऊपर की ओर बढ़ो तो दूरियां बढ़ती हैं, माने तरंगदैर्ध्य और फोकस दूरी अधिक हो जाती है। कहने का तात्पर्य है लाल प्रकाश की फोकस दूरी अन्य सभी प्रकाश के रंगों की फोकस दूरी से अधिक होती है। ऐसे ही जब आर से बी की ओर चलो, ऊपर से नीचे की ओर चलो, तो सभी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, चाल और प्रकीर्णन बढ़ता है, माने सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी प्रकाश का मिलेगा और उसकी चाल और अपवर्तनांक भी ज़्यादा मिलेगी। और उसके बाद कल बेटा हम लोगों ने चर्चा किया था, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिकी में रंग क्या है। आपको बताए थे कि जो श्वेत प्रकाश के रंग है इन्हें जब प्रकाशिकी में बताया जाता है तो इनमें तीन रंग ऐसे हैं जो किसी अन्य रंग से न मिलते न बनते हैं, और जो रंग स्वतः मिलते बनते हैं उन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं, और सुषमी वो केवल तीन है, लाल है, नीला है और अन्य है। फिर दूसरे रंग द्वितीयक रंग होते हैं जो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनते हैं, और द्वितीयक रंगों में तीन भौकाली रंग बनाए थे हम, लाल प्लस हरियर पिलछाऊ पीला बन जाता है, पहला द्वितीयक रंग है, है ना? और लाल प्लस नीला मैजेंटा या गहरा गुलाबी बन जाता है, दूसरा द्वितीयक रंग है। नीला और हरा मिलाने पर मयूरी नीला या श्याम कलर बन जाता है, और ये तीसरा जो है द्वितीयक रंग है। ऐसे ही बच्चों कल की डेट में बताए थे कि अगर कोई तीन रंग प्राथमिक वाले आपस में मिला दिए जाएं तो पूर्ण रंग बनता है सफ़ेद कलर का, लाल प्लस नीला प्लस हरा सफ़ेद रंग हो जाता है। और बच्चों पूर्ण रंग ऐसा रंग होता है जिसमें हर प्राथमिक रंग और हर द्वितीयक रंग सम्मिलित होते हैं, मतलब पूर्ण रंग को चाहे कहो लाल प्लस नीला प्लस हरा बराबर सफ़ेद, और चाहे कहो पीला प्लस नीला बराबर सफ़ेद, चाहे कहो मैजेंटा प्लस हरा बराबर सफ़ेद, चाहे कहो मयूरी नीला प्लस लाल बराबर सफ़ेद। एक फोटो आपके सम्मुख बनाए हैं, वर्ण त्रिभुज नाम है इस फोटो का, एक ऐसा त्रिभुज जिसके द्वारा
प्रकाशी रंगों का, समस्त प्रकार के प्रकाशी रंगों का वर्णन संभव हो उसे हम वर्ण त्रिभुज कहते हैं। वर्ण त्रिभुज में शीर्षों के द्वारा प्राथमिक रंग डिनोट किए जाते हैं, माने यहाँ ऊपर लाल है तो यहाँ हरा है, यहाँ नीला है, शीर्षों पर प्राथमिक रंग है, और भुजाओं पर दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से बने द्वितीयक रंग है, यहाँ लाल है और यहाँ नीला है, मिलकर बन गया है मजेंटा, और इधर लाल है और इधर हरा है, मिलकर बन गया होगा पीला, और नीचे मयूरी नीला, और बीच में केंद्रक पर वर्ण त्रिभुज के पूर्ण रंग या सफ़ेद रंग होता है। तो ये बच्चों हम लोग इतना चीज़ें पढ़े थे, इसके बाद डिस्कस करना है वस्तुओं का विभिन्न रंग का दिखना, मतलब गुलाब लाल क्यों दिखता है, ये मेरी शर्ट जो है हल्की हरी क्यों दिख रही है, बोर्ड सफ़ेद क्यों दिखता है, अक्षर ब्लैक क्यों दिखते हैं, इसकी वजह देखो, दुनिया की जो अलग अलग वस्तुएं होती हैं, जब वस्तुओं पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो ये वस्तु श्वेत प्रकाश की समस्त रंग की किरणों का अवशोषण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, लेकिन कोई एकाद रंग का अवशोषण वो नहीं कर पाता तो उस वस्तु से वह रंग बाहर निकलने लगती है, उत्सर्जित होने लगती है। फोटो की भाषा में बताएं तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो वो उस प्रकाश के बहुत सारे अवयवी रंग की किरणों को हजम कर लेता है, खा लेता है, जिस रंग का उत्सर्जन या उल्टी करता है वह वस्तु उसी रंग की दिखती है। तो गुलाब के फूल पर जब श्वेत प्रकाश आपतित हुआ होगा तो चाचा गुलाब ने श्वेत प्रकाश के सारे रंगों को अवशोषित कर लिया होगा, लाल का अवशोषण नहीं कर पाया तो गुलाब से लाल रंग फिर बाहर आया और हमारी आंखों पर पड़ा तो हमने गुलाब को लाल देखा। जैसे बायो में एक क्वेश्चन किया जाता है, बायो में बच्चे जानते हैं कि पेड़ पौधों के तने या पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं, तो आप बताते हैं क्लोरोफिल के कारण, लेकिन यहाँ फिजिक्स में उल्टा आंसर है, पेड़ पौधों के पत्तियां या तने हरे क्यों दिखते हैं, क्योंकि जब पेड़ पौधों के पत्तियों या तनों पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो पत्तियों या तने द्वारा श्वेत प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण हो पाता है, केवल कौन से रंग का अवशोषण नहीं हो पाता है, और वस्तु किस रंग की दिखती है, रक्त लाल क्यों दिखता है, क्योंकि रक्त पर जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो रक्त के द्वारा से सभी रंगों का अवशोषण हो पाता है, केवल और केवल लाल रंग का उत्सर्जन होता है, इसलिए रक्त हुआ। लेकिन बायो पूछते कि रक्त लाल क्यों होता है, तो मलिच्छन लोग बताते कि रक्त में जो है हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो है लाल रंग का दिखता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है, आयरन से होता है, जानते रहो, बायो की बात है। तो अब यहाँ पर जो है वस्तुएं किसी विशेष रंग की क्यों दिखती है ये समझ में आ गया। कोई वस्तु सफेद क्यों दिखती है, अगर किसी वस्तु पर श्वेत प्रकाश आपतित हो और उस वस्तु के द्वारा किसी भी रंग का अवशोषण ना हो, सभी रंग का उत्सर्जन कर दिया जाए, तो सभी रंग जब वस्तु से बाहर निकलेंगे तब मिलकर के कौन सा रंग निकलेगा, श्वेत, और वस्तु कौन से दिखेगी, श्वेत। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जो है जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बतला सकते हैं कि वस्तुएं श्वेत इसलिए दिखती हैं कि इस वस्तु पर जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो वस्तु के द्वारा समस्त प्रकाशीय रंगों का उत्सर्जन हो जाता है और ये वस्तु जो है श्वेत रंग की दिखती है। एक और क्वेश्चन बनता है कि वस्तुएं काली क्यों दिखती है, तो काली क्यों दिखती है, जान लीजिए रोहन चाचा, जब किसी वस्तु पर श्वेत प्रकाश आपतित हो और वस्तु द्वारा समस्त रंग के किरणों का अवशोषण हो जाए, कोई भी रंग का प्रकाश वस्तु से बाहर ना निकले, तो जहाँ कुछ नहीं हुआ काला, तो वस्तु जो है काले रंग की दिखती है। तो माने ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो ब्लैक बोर्ड के द्वारा प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण हो जाता है, कोई भी रंग के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं हो पाता, इसलिए ब्लैक बोर्ड जो है काला दिखता है। कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं, या बच्चों जब प्रैक्टिकल देते हो आप, प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका होता है, तो जो बाहर से टीचर आए रहते हैं वो प्रकाश वाले खूब फंसाते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लाल गुलाब
हरे रंग के कमरे में देखा जाए या हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसे दिखेगा? आपका दिमाग क्या होता है कि जो कलर कहता है और जो कलर रहता है उसको मिला के सोचते हो कौन सा कलर बनेगा और ऐसा आंसर देने का प्रयास करते हो। माइंड में ये सेटअप होता है कि लाल गुलाब है, हरियर प्रकाश में देखा जाता है तो लाल हरा मिक्स होकर दिखाए हो। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? साइंस की बात बता रहे हैं। जो लाल गुलाब है उसकी खासियत क्या है कि लाल गुलाब जो है जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो केवल कौन से रंग का उत्सर्जन कर पाएगा? लाल। हरा, नीला, पीला सबको अवशोषित कर लेगा। और लाल गुलाब को आप देख किस में रहे हैं? हरे प्रकाश में। आप केवल उस पर हरा प्रकाश डाल रहे हैं तो हरा प्रकाश तो अवशोषित कर लेता है, तब तो इसका मतलब उससे कोई प्रकाश नहीं निकलेगा। और जब उससे कोई प्रकाश नहीं निकलेगा तो कैसे दिखेगा? कहिए। तो कोई भी वस्तु या तो उसी रंग के प्रकाश में देखी जाए या तो श्वेत प्रकाश में देखी जाए तभी कलर दिखेगा। और अगर किसी वस्तु को किसी अन्य रंग के प्रकाश में देखोगे तो हमेशा ब्लैक दिखेगी। आज से जानते रहना। जैसे कहा जाए नीला गुलाब लाल प्रकाश में कैसे दिखेगा? काला। बिना सोचे उत्तर। हरियर गुलाब लाल प्रकाश में कैसे दिखेगा? काला। पीला गुलाब नीले प्रकाश कैसे दिखेगा? और अगर काला हमेशा दिखेगा, नीला गुलाब श्वेत प्रकाश में देखा जाए कैसे दिखेगा? नीला दिखेगा। श्वेत प्रकाश में उसी रंग का दिखेगा क्योंकि श्वेत प्रकाश में वो रंग है। बाकी किसी अन्य रंग में देखोगे तो वो कैसा दिखेगा? काला। कोई भी वस्तु, पेड़ की पत्तियां अगर लाल प्रकाश में देखी जाए तो कैसे दिखेंगी? काले कलर की। सोचना ही नहीं है, तुरंत बता दोगे। किसी भी वस्तु को या तो उस वस्तु के रंग के प्रकाश में देखो या तो उस वस्तु को श्वेत प्रकाश में देखो तभी उसमें रंग आएगा। माने लाल गुलाब केवल लाल प्रकाश में लाल दिखेगा या श्वेत प्रकाश में लाल दिखेगा, अन्य सभी रंगों में वो काला दिखेगा। समझ आना चाहिए ये बात, फिजिक्स की बात है। तो बच्चों इस तरह से जो है वस्तुओं का भिन्न भिन्न रंग का दिखना अलग अलग प्रकाश में संभव हुआ, ठीक है? तो ये इतने क्वेश्चंस का मतलब समझ गए, जो कल पढ़ाए थे रिवाइज कर दिए, जान गए। अब हम लोग कल चर्चा करेंगे कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विचलन। देखो बेटा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से आपतित होता है तो प्रिज्म से जो प्रकाश बाहर आता है उसे हम निर्गत प्रकाश कहते हैं, लेकिन श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से बाहर आता है तो सात रंगों में बाहर आता है। तो दो मेन रंग ले लीजिए, बैंगनी और लाल, बाहर आ रहा है माने निर्गत प्रकाश ले लीजिए। उन दोनों के बीच जो कोण बनता है वही है कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विचलन। माने बैंगनी और लाल प्रकाश की निर्गत किरणों के बीच बना कोण कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विचलन कहलाता है। कल की क्लास में हाई फाई समझाऊंगा।